तो ये देख सकते हैं रावण। बिहार से पेड़ी ले लिया है, 50 लोग वापस एंजॉय कर रहा है। हाय करो, हाय करो, हाय कर दो, हाय। कल तो मेला घूमने आया हूँ, ये भी दिखा दीजिए। वही लोग तो है इनके पास। इतना इतनी गाड़ी तुम्हारे पास है। हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और आज की ब्लॉग मैं यहीं से करता हूं शुरू। और अभी जो है बाइक में ये जो घर देख रहे हैं, यहां पे मेरे दुकान के लड़के आए हुए हैं काम करने के लिए। यहां पे कुछ वायरिंग वगैरह के काम होने हैं, किस तरह काम होना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं इन सबों को चल के जो है डांटता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि डांटने पर इन सबों का रिएक्शन क्या होता है। और डांटना मतलब किस बात के लिए कि ये सब अभी तक मतलब क्या कर रहे थे, क्यों अभी तक इतना ही काम हुआ, क्यों काम नहीं मतलब ज़्यादा हुआ, ये सारा कुछ जो है मतलब उनको बोलता हूँ और देखता हूँ कि उनका जो है रिप्लाई क्या, किस तरह का रिएक्शन है। तो चलिए जो है आज की ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की ब्लॉग बिल्कुल ही डेली ब्लॉग से जो है हट के आज की ब्लॉग है। तो चलिए पहले आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है डांटने पे। तो चलिए अब चलता हूँ अंदर और आप सभी को दिखाता हूँ कि अंदर ये सब क्या कर रहे हैं और फिर इनको लेते हैं लाइन पे। क्या जी सादत? हाँ। क्या हो रहा है? कुछ, साफ हो रहा है। हाँ। अरे कब के आए हो अभी तक जो है, क्या साफ हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? सीढ़ी नहीं सही है। कैसी सीढ़ी चाहिए? हाँ, टेंट वाला, टेंट वाली सीढ़ी चाहिए। कहाँ तक काम हुआ अभी? अच्छा, उसको भी किए तो फाइनल नहीं किए। क्या तुम लोग करते हो जी काम? हम लोग पकड़ रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, आराम कर करके तो तुम लोग काम कर रहे हो। देखिए आराम से इधर बैठे, मतलब मेरे सामने भी आराम से बैठ रहे हो। अच्छी मतलब कोई असर नहीं है, हाँ सीनियर वगैरह कुछ असर नहीं है कि हाँ आए हुए हैं जो है थोड़ा काम फास्ट फास्ट करे न रहने तो आराम से कर ही रहे, सामने भी ऐसे कर रहे हो। सिर्फ सीढ़ी हटा रहा है कहाँ है जी? वैसे ही। अरे यार अच्छी मन बड़ी बतिया रहे हो तुम तो। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि इनको जो है किसी तरह का कोई डर भय नहीं है, ये बिंदास बोल रहे वैसे ही जो बैठे हैं, मतलब समझ ही सकते गांव के लड़के कितने जो है एडवांस हैं। तो अभी जो है मैं काम दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये जो अभी काम चल रहा है, ये सफाई मतलब कर रहे हैं सारे जो है फैन बॉक्स और कंसील लाइट जितने लगे हुए हैं उनकी ये सफाई करेंगे। और सफाई करने के बाद इनका जो है पाइप वगैरह भी चेक करेंगे कि पाइप वगैरह क्लियर है कि नहीं। तो जो एक कमरे का किए उसका भी पाइप चेक किए कि नहीं? अभी नहीं, क्यों क्या हुआ? फैन बॉक्स नहीं, साफ नहीं। अच्छा अच्छा, फैन बॉक्स, अच्छा हाँ वो टेंट वाली सीढ़ी चाहिए फैन बॉक्स साफ़ करने के लिए, वो है नहीं तो वो साफ़ हो जाएगा। तब उसकी पाइप भी चेक करेंगे कि कोई पाइप ब्रेक तो नहीं है, क्योंकि अगर पाइप ब्रेक रहेगी तो बाद में उस पाइप का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड कंसील्ड वायरिंग करनी है, या दीवार काट के जो है बोर्ड वगैरह पाइप वगैरह सब दीवार के अंदर जो फिट करना है। तो यही काम इन लोगों को लगाया गया आज करने के लिए। तो कैसा रिएक्शन रहा वो तो मैं आपको दिखा दिया कि इन सबों के अंदर जो है मतलब किसी भी तरह का डर नहीं। अक्सर करके जब हम लोग काम मतलब जो है करते थे उस टाइम जो है जब सुन लेते थे कि ठेकेदार आने वाले हैं तो सब लोग अपने अपने काम पे एकदम फिक्स हो जाते थे, कि अगर आराम भी कर रहे हैं तो उस टाइम काम करते थे कि कहीं ठेकेदार आए तो उस टाइम अगर देख लिया कि हम बैठे हुए हैं तो उसे लगेगा कि ये सब सिर्फ काम नहीं करते बैठे ही रहते हैं। लेकिन इनके अंदर जो है किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आ सकता। देख सकते हैं चड्डा पहन के जो चढ़े हुए काम हो रहा है और इतना बिंदास कहीं भी आप किसी को नहीं देखे होंगे। और मैं ज़्यादा टाइट भी नहीं करता हूँ, फ्री ही रखता हूँ। पहली बार जो है टाइट हुआ तो वो सब भी उसे हंसी मजाक में ही ले लिए। कहिए सही है कि गलत है? सही है, सही है। कहीं टाइट करता हूँ ज़्यादा, बोलता बोलता हूँ कहीं? तो काफ़ी फ्री रहते हैं लड़के जो है, अपने मन से काम करते हैं। बस ये मैं चाहता हूँ कि काम अच्छे से करें और कोई मैटर नहीं है। तो इसी तरह से अभी काम होना, जो भी काम होना वो तो हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी 2-3 दिन यहाँ काम चलेगा। मैं आया था देखने के लिए कि ये लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं और इनको थोड़ा समझा भी दूंगा कि किस तरह से क्या काम करना है, कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा सारा कुछ। तो आज की ब्लॉग जो है अभी बहुत सारे जगह शूट करनी है
हो सकता है कि दशहरे का टाइम चल रहा है, कहीं अगर दशहरे का मेला वगैरह जाना होगा तो वहाँ के भी जो ब्लॉग आज मतलब आपको शूट करके दिखाएंगे। हम लोग भी जाएंगे। तुम लोग भी जाओगे? कहाँ का आज कहीं मेला पता है कहाँ का है? अच्छा, अपने मार्केट का मेला है। अरे यार, सबसे बड़ी बात है कि आज अपने मार्केट का मेला है और आज अपने मार्केट के दशहरे का मेला का जो है आपको दिखाएंगे कि किस तरह का रावण वगैरह यहाँ बनाया जा रहा है और किस तरह रावण का जो है मतलब रावण जलाया जाएगा, तो सब आप आज के वीडियो में दिखाने वाले। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाली है। अपनी दुकान से ही जो है मतलब थोड़ा दूर पे मेले की शुरुआत हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त मेला लगता है, हर साल हम लोग इस मेले को इंजॉय करते हैं। तो चलिए, आज की ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसी लगी, जिससे मुझे और सपोर्ट मिले और अच्छी ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो दोस्तों, अभी जो है मैं शॉप पे था और पापा भी जो है जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी एक मोटर वगैरह हम लोग रिपेयर किए हैं, रिपेयर करने के बाद क्योंकि अभी एक से ऊपर हो रहा, तो अभी पापा को भेजा हूँ खाना खाने के लिए। पापा आ जाएंगे फिर मैं भी जाऊँगा खाना खाने। और दशहरा का मेला तो समझ ही सकते हैं, लगभग मेन मेला जो है 3-3:30 बजे से शुरू होगा, तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो फिर वहाँ का जलवा के कुछ अलग ही रहेगा। तो कैसा है वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी ट्रेलर वगैरह तो शुरू में जो है आप देख ही लिए हैं कि किस तरह का जो है मतलब मेला वगैरह है। तो दोस्तों, अभी जो है शाम के 3 बज रहे हैं और इस समय जो है इतनी तेज़ आधी और बारिश शुरू हो गई है कि आज मेला लगता है कि पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। जिस हिसाब से आप पीछे देख सकते हैं कि बारिश इतनी तेज़ है कि रोड पर जो है धुंधला दिखाई दे रहा, और हवा भी इतनी तेज़ है कि पेड़ वगैरह सारे बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं। अभी हवा थोड़ी कम हुई लेकिन बारिश से पहले हवा बहुत ही तेज़ था। अभी गाड़ी गुजरी देखें कि आपको पूरा साफ नहीं दिखाया, धुंधला दिखाई दिया। तो अब देखने से ऐसा लग रहा कि आज मेले का जो है पूरा का पूरा जो है मामला समाप्त ही नज़र आ रहा। देखिए होता क्या, बारिश बंद होने के बाद मेले का क्या इंतजाम रहता, किस तरह से जो है होता है दशहरा इस बार। अब जो रावण बना होगा वो भी तो लगता है मुझे पूरा पूरा गीला हो गया होगा, अब तो जल भी नहीं सकता। बहुत सारी अब समस्याएँ आ गई हैं। तो अभी तो मैं घर आया था नहाने वाने के लिए कि नहा वहा के उसके बाद तो फिर मैं चलूँ जो है मेले में, देखूँ जो है क्या माहौल वगैरह चल रहा है। लेकिन उसके पहले ही बारिश आके पूरे पूरे जो प्लानिंग पे जो है पानी फेर दिया, मतलब हर तरफ पानी ही पानी हो गया। आप देख सकते हैं सामने वाले कैमरे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बारिश इतनी तेज़ हुई है कि अभी थोड़ी बारिश कुछ हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी इतना भी हल्का नहीं, काफ़ी तेज़ है। और जहाँ भी है हर तरफ पानी पानी देख सकते हैं हुआ, और ये छत पर से जो है पानी गिर रहा है इतनी तेज़ी से, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितना तेज़ है। ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, और ये पेड़ वगैरह तो इतने तेज़ हिल रहे थे अभी हवा से कि लग रहा था कि उखड़ जाएंगे पेड़, लेकिन फिर भी हवा बहुत कम नहीं हुई है, अभी भी हवा अच्छी खासी है। तो चलिए, बारिश बंद होती है तो नहा वहा के चलते हैं फिर मेले की तरफ, देखते हैं वहाँ का क्या इंतज़ाम है। बारिश तो हो गई है, मेला होता भी है या नहीं होता है। दोस्तों, अभी जो है मैं मेला में पहुँच चुका हूँ, काफ़ी जो है जिस वजह से हो सकता है साउंड की भी प्रॉब्लम आ रही है। और जैसा कि मैं अभी दिखाया हूँ कि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और बारिश में जो है रावण पूरी तरह से गल चुका है, जलने के बजाय मतलब वो गल गया। तो अभी मैं सामने वाले कैमरे से आपको रावण को दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह से गल के इस टाइम सिर्फ लकड़ी लकड़ी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि रावण जो है जला नहीं, गल गया। तो ये देख सकते हैं सामने जो रावण बना था वो पूरी तरीके से गल चुका है, सिर्फ उसका ढांचा इस समय बचा हुआ, बिना जलाए जो है इसका काम ख़त्म हो गया। तो अभी हम लोग खिलौने वाली दुकान पर हैं, साथ में बाबू भी आया है, तो इसे चाहिए जो है गाड़ी। कौन सी गाड़ी लोगे बेटा? वही लोगे? बहुत अभी तो है इनके पास। इतना इतनी गाड़ी तुम्हारे पास है? तो बारिश की वजह से अभी मेले का माहौल पूरा ख़राब हो चुका है, लेकिन भीड़ भाड़ फिर भी वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था। बस तो थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, और अहान को अभी पेड़ी भी दिला दिया गया और इनको जेसीबी भी दिला दिया। क्या कह लिए अहान, दिखा दो क्या कह लिए।
दिखा दो दिखा दो, ऐसे दिखा दो। ये क्या है, ये क्या है? तो ये मैं एक बार हर तरफ कैमरा घुमा के आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे साइड में रोड पर ही मेला लगता है, किसी भी तरह के मैदान में नहीं लगता। जो रोड आने जाने वाली है तो मतलब उसी को जो है डाइवर्ट करके मेला इसी पे लगता है। तो राजू भाई और काजू भाई अभी आ चुके हैं। कहाँ हैं आप सर? ये महामंत्री जी हैं और ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल धुरिया पार। नहीं नहीं सही है। तो ये देख सकते हैं रावण। अभी व्यापार मंडल अध्यक्ष हमारे जो है रुंदिका जी भी आ चुके हैं और टीम हम लोगों की पूरी अभी इकट्ठा होने की बाकी है। तो मेले की भीड़ भाड़ जो है आप लोगों को मैं दिखाया। अभी तो मेले के आखिरी छोर पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, जहाँ से मेले की अगर कह लिया जाए शुरुआत भी है और ख़त्म भी है। अभी मतलब और आगे है करीब 100 मीटर तक में ये कि इधर भीड़ भाड़ कम है, जहाँ से हम जा रहे उधर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। अभी आइसक्रीम जो है खा रहे हैं हम लोग। पूरे मेला में भी यही शुरुआत है, वो भी लास्ट टाइम पर। आज जो है दशहरा के मापन के बाद एक सैलून का जो है सीता कटने जा रहा रात के टाइम में, अचानक प्लानिंग हो गई। गजब का जो है अचानक बिना प्लानिंग। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर से बाहर जाओ। अजी फीता ढीला हो गया। चलिए कमन रख दीजिए भाई, कमन रख दीजिए। एक जन आओ यार, तुम भी जाओ, जाओ यार। अरे तो दोस्तों अभी तक जो आपने ब्लॉग देखी काफ़ी अच्छा, मतलब मैं बनाने की कोशिश किया था और बनाया भी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह से डेली ब्लॉग आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब लेंगे आज के ब्लॉग में जो है आपसे विदा। तो फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।